समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान के दिन इन दिनों खराब हैं। यूपी में जब से बीजेपी की योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार आई है, आजम खान इमरजेंसी के बाद पहली बार जेल रहकर आए हैं। इतना ही नहीं, पहले उनकी विधायकी गई, फिर उनसे वोटिंग का अधिकार तक छीन लिया गया। आजम खान का बीजेपी से 36 का आंकड़ा है। लेकिन कुछ ही लोग जानते हैं कि कभी देश और प्रदेश के सियासी सूरमा कभी एक ही नाव पर सवार थे। जी हाँ, आजम खान, कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह जैसे एक ही पार्टी के नेता हुआ करते थे। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। दरअसल ये वक्त था जब देश में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साल 1977 की, जब यूपी में विधानसभा चुनाव हुआ था। दरअसल देश में इमरजेंसी खत्म होने के बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और आम चुनाव की उन्होंने इमरजेंसी हटाते हुए 1977 में घोषणा कर दी थी। ठीक उसी वक्त उत्तर प्रदेश में 7वां विधानसभा चुनाव हुआ। विपक्षी दलों ने जेपी को आगे रखकर जनता पार्टी का गठन किया, जिसमें आज की बीजेपी और तब की जनसंघ के साथ साथ चरण सिंह की भारतीय लोकदल सहित समाजवादियों के बड़े धड़े शामिल थे। 1977 के विधानसभा चुनाव में जनता पार्टी को यूपी में प्रचंड बहुमत मिला। यूपी की जनता ने 425 सीटों में से 352 सीटें जनता पार्टी की झोली में डाल दी। वहीं कांग्रेस को महज 47 सीटों पर संतोष करना पड़ा और इस तरह राम नरेश यादव यूपी के सीएम बने। 1977 का चुनाव इसलिए भी बड़ा दिलचस्प था क्योंकि चुनाव में जनता पार्टी के टिकट पर कुछ युवाओं ने भी अपनी राजनीतिक पारी शुरू की थी, जिसमें रामपुर से मोहम्मद आजम खान, मिर्जापुर से राजनाथ सिंह का नाम भी शामिल है। वहीं कल्याण सिंह भी अतरौली सीट से चुनावी मैदान में थी। बात आजम खान की करें तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से तामील लेने वाले मोहम्मद आजम खान ने इमरजेंसी के दौरान लंबा संघर्ष किया। बनारस की जेल में बंद रहे। जब 1977 में आजम खान रिहा हुए तो जनता पार्टी ने उन्हें पहली बार 1977 में रामपुर से विधानसभा चुनाव का टिकट दिया। लेकिन आजम खान सियासत की पहली परीक्षा में ही फेल हुए और कांग्रेस के मंजूर अली खान उर्फ शन्नू खान ने उन्हें संघर्ष में हरा दिया। हालांकि साल 1980 में आजम खान ने कांग्रेस के मंजूर अली खान को हरा दिया और जनता पार्टी के टिकट पर पहली बार रामपुर से विधायक बने। बाद में लोकदल में चले गए। फिर साल 1991 में आजम खान ने जनता पार्टी के टिकट से रामपुर की सीट पर दोबारा कब्जा किया। वहीं साल 1992 में मुलायम सिंह ने जब समाजवादी पार्टी की नींव रखी तो आजम खान बतौर संस्थापक सदस्य उसमें शामिल हो गए। वहीं मौजूदा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चंदौली के रहने वाले हैं। अपने कौशल के दम पर राजनाथ सिंह ने साल 1975 में 24 साल की उम्र में ही मिर्जापुर के जनसंघ के जिला अध्यक्ष बने थे। 1977 के चुनाव में राजनाथ सिंह को जनता पार्टी ने मिर्जापुर विधानसभा से टिकट दिया और उन्होंने कांग्रेस के अजहर इमाम को शिकस्त देकर अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी। हालांकि बाद में 1980 और 1985 के विधानसभा चुनाव में राजनाथ सिंह को मिर्जापुर से बीजेपी कैंडिडेट के रूप में हार मिली थी। साल 1988 में राजनाथ सिंह एमएलसी बने और 1991 में कल्याण सिंह के मंत्रिमंडल में पहली बार मंत्री बने और उन्हें शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी मिली। साल 1994 में राजनाथ सिंह बीजेपी के केंद्रीय राजनीति में आ गए और उन्हें राज्यसभा का सदस्य बना दिया गया। इसके अलावा साल 1977 में एक और युवा तर्क यूपी की राजनीति में पदार्पण कर रहा था। अतरौली से कल्याण सिंह ने जनता पार्टी के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीता था, जिन्हें मुख्यमंत्री राम नरेश यादव ने अपनी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बनाया था। इसके अलावा साल 1977 के विधानसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव, नारायण दत्त तिवारी, बनारसी दास, मोहम्मद आरिफ खान, मोहन सिंह, केशरीनाथ त्रिपाठी, सत्यदेव त्रिपाठी जैसे दिग्गज नेताओं ने भी जीत का डंका बजाया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।